हेलो गाइज, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में आपको एक ऐसे क्यूबिंग लीजेंड के बारे में बताने वाला हूँ, सॉरी इंडियन क्यूबिंग लीजेंड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसने एक टाइम पे 3x3 रूबिक्स क्यूब का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। तो बहुत सारे क्यूबर को पता होगा कि किसी भी इंडियन क्यूबर ने कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड नहीं किया। तो ये कौन बंदा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ क्यों किसी को पता नहीं है एंड कैसे इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। तो जाते हैं कुछ समय में पीछे जाते हैं, तो ये बात है महाराष्ट्र के लेवनाम के तालुका में एक इरदा का नाम का गांव था। इस गांव में एक निबक उरुग नाम का बंदा था जिसको क्यूबिंग आती थी उस ज़माने में, जब इंटरनेट नहीं था ना ही कोई किताब थी जिसे पढ़ के लोग क्यूबिंग सीख पाए। उस टाइम पे इस बंदे ने बहुत सारे लोगों को क्यूब सॉल्व करना सिखाया, बच्चों को क्यूब सॉल्व करना सिखाया, लेकिन किसी ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, बस बनाना सीख लिया। लेकिन उसका एक चेला था जिसका नाम था लिरपा लूप। तो लिरपा लूप ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया एंड गुरु से भी एक स्टेप आगे चला गया। बहुत सारे टेक्निक उसे खुद से इन्वेंट किए, जिसे आप जिवेलल सिवेलल बोलते हैं, वो इस बंदे ने खुद से इन्वेंट किए थे और इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट था। एंड उसने रूबिक्स क्यूब पे ही बहुत सारा एवरेज है वो बढ़ाया था, बहुत स्पीड जो है बढ़ाई थी। एंड उसने वेट किया ऑफिशियल WCA कंपटीशन का जो कि इंडिया में पहली बार हो रही थी। इसमें पार्टिसिपेट करके वो अपने गाँव का नाम बड़ा कर सकता था एंड बहुत सारे स्टूडेंट भी पा सकता था। तो उसने पार्टिसिपेट किया एंड पहले ही कंपटीशन में उसने 4.20 सेकंड का सिंगल लाया एंड 5.05 सेकंड का एवरेज लाया, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट था एज़ कम्पेयर टू अदर इंडियन क्यूबर्स। इसीलिए सबको उस पर डाउट आया एंड जब भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है तब उस स्कैम्बल चेक किया जाता है एंड उसको जिस बंदे ने ये सॉल्व किया है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है इसने कैसे किया। तो स्क्रैम्बल तो सही था लेकिन जो लिरपा लूप था इस सॉल्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसने कैसे किया। उसने जो मेथड यूज़ की थी वो थी FMC एंड FMC को जो है एक्सप्लेन करना उस टाइम पे बहुत मुश्किल था। इसीलिए उस लिरपा लूप के सभी सॉल्व को DNF कंसीडर किया गया एंड इसने कोई चीटिंग की इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई किया गया एंड उसका नाम भी हटा दिया गया। इसीलिए किसी को भी इस बंदे का नाम पता नहीं है। इस बंदे ने बाद में ठान लिया कि वो कभी क्यूबिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कभी क्यूबिंग नहीं करेगा एंड उसके बाद उसका क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। तो हमें ये स्टोरी उनके गुरु ने बताई एंड आज ही मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज उनका है जन्मदिवस, उनका बर्थडे है, इसलिए मैंने सोचा कि इनके बारे में सबको पता होना चाहिए। एंड लिरपा लूप के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई है, लेकिन ईस्टर एग है वो जो कि आपको अभी तक पता नहीं चला। तो इस ईस्टर एग को जानने के लिए आपको वीडियो फिर से लगाना पड़ेगा एंड जो भी मैंने नाम बताया है उनको उल्टा पढ़ना पड़ेगा, जिसके वजह से आप लिरपा लूप के बारे में और जानकारी पा सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।